सॉरी मम्मी पापा, आज रात को मैं फांसी लगाऊंगी। इस कदर की साथियों एक गलत हरकत, एक लड़की ने इस तरह की गलत घटिया हरकतें की है साथियों, जिसने साथियों बहुत बड़ा एक गलत कदम उठाया है। साथियों खबर भीलवाड़ा से निकलकर सामने आ रही है, सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अपनी इच्छाओं के पूरा नहीं होने के ऐसे एज और तनाव महसूस करते बच्चों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति सभी की चिंता बढ़ा रही है। कभी एग्जाम में कम नंबर तो कभी गेम खेलने रोके जाने पर फंदे पर झूलना या दूसरे तरीके से ज़िंदगी ख़त्म करना ट्रेंड बनता जा रहा है। अब ऐसा ही कुछ मामला भीलवाड़ा से सामने आया है। यहाँ एक बच्ची ने केवल इसलिए जान दे दी क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं थी। ये खुलासा हुआ बच्ची की मौत के 4 दिन बाद मिले सुसाइड नोट से। हालांकि इस मामले में पड़ोसी और उसकी बच्ची ने माँ ने बच्ची और चाची पर मर्डर का केस जताया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे की रहने वाली मैना 12 साल की बेटी सौ 23 अगस्त को उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इसके बाद पुलिस सुसाइड मानकर मामले की जांच कर रही है। बच्ची की मौत के बाद गांव वालों में गुस्सा है। घटना में विरोध में वे 2 बार कस्बा भी बंद करवा चुके हैं। ग्रामीण और माँ लाली देवी मर्डर का शक जताने के बाद पुलिस ने नया केस रजिस्टर कर जांच शुरू की, जिसके बाद 27 अगस्त को मैना के पढ़ने वाले कमरे में उसकी सामान की तलाशी के दौरान सुसाइड नोट मिला। इसमें लिखा है, सॉरी मम्मी पापा, आज रात 12 बजे पापा के पास जाऊंगी। मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी साइकिल हो। मेरे दोस्त कहते हैं तेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पापा होते तो मेरी साइकिल आ जाती। मैं रोज़ रोज़ सुबह जब मुँह देखती हूँ तो मैं आज रात फांसी लगाऊंगी। मिस यू मम्मी और भैया। 8 दिन से जारी था विवाद। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद दर्दनाक और गलत कदम उस लड़की ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया।